subscribe to our channel and press the bell icon. Good morning friends, welcome to our YouTube channel Sir Abdul Sattar Khan. We are going to learn 2.5 a play, एक ड्रामा है, इसे आज हम पढ़ेंगे और समझेंगे. सबसे पहले स्टार्ट करते हैं चिट चैट. डू यू लाइक टू वॉच प्लेज, आपको प्ले देखना पसंद है या नहीं है. प्ले यानी कि ड्रामा, क्या आपको ड्रामा देखना पसंद है. येस आई लाइक टू वॉच प्लेज. विच इज़ द लास्ट प्ले यू वॉच, आपने सबसे आखिरी जो प्ले था वो कौन से देखा था. गाढ़वाचे लग्न मराठी में देखा था. Do you watch TV serials? Which ones? क्या आप TV serial देखना पसंद करते हैं, कौन से देखते हैं. Yes, I like to watch TV serials like तारक मेहता का उल्टा चश्मा, बालवीर और कपिल शर्मा शो, इस टाइप के हम सीरियल्स देखते हैं. Do you like show moving serials? क्या आपको धीमी रफ्तार से यानी एक के बाद एक सीरियल चलने वाले TV serial पसंद है. No, I don't like slow moving serials. Do you like stories from the past? What type of stories do you like? क्या आपको पुराने ज़माने की कहानियाँ, पुरानी कहानियाँ पसंद है, कैसी कहानियाँ पसंद है. Yes, I like stories from the past. Old stories like अकबर बीरबल, विक्रम बेताल, तेनाली रामन, इस टाइप की स्टोरीज हमें बहुत पसंद है. चलिए स्टार्ट करते हैं 2.5 अ प्ले ड्रामा और इसके इस ड्रामे को हम समझने की कोशिश करेंगे. ये किसके बारे में है, एक बेसिक चीज़ है, ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ड्रामा है. ये एक ऐसे राजा की कहानी है जो बहुत सारी गलतियां करता था और उसी तरीके से हम इसे समझने की कोशिश करेंगे. अ प्ले मीन्स ड्रामा, पार्ट वन है. पहला सीन है अ किंग्स कोर्ट, यानी कि राजा का दरबार है. द कोर्ट अवेट्स द अराइवल ऑफ द किंग, यानी कि दरबारी सब के सब इंतज़ार कर रहे हैं कि कब महाराज आएंगे. टू गार्ड्स आर स्टैंडिंग फ्रंट राइट ऑफ द स्टेज, और दो दरबान खड़े हैं, गार्ड्स खड़े हुए हैं स्टेज के सामने खड़े हुए हैं. फर्स्ट गार्ड यानी पहला जो दरबान है, चौकीदार है, वो कहता है दूसरे से, बी अलर्ट द किंग इज़ अबाउट टू अराइव, यानी कि चाखो चौबंद हो जाओ, अलर्ट हो जाओ, महाराज आने ही वाले हैं. सेकंड गार्ड कहता है हु वांट्स टू बी अलर्ट, अरे किसे अलर्ट होना है. लाइफ सीम्स लाइक वन लॉन्ग स्लीप इन दिस लैंड, ऐसा लगता है कि इस ज़मीन पर हम बहुत दिनों से सो रहे हैं. आई एम एट ईज ऑल डे दो आई एम अ गार्ड, मैं बहुत ही आराम से हूँ इसके बावजूद इसकी कि मैं गार्ड हूँ, एक दरबान हूँ. फर्स्ट गार्ड कहता है हाउ बोरिंग, आई वंडर इफ सम इंटरेस्टिंग ड्रामा विल अनफोल्ड एट द कोर्ट टुडे, इट वुड एनलिवन द एटमॉस्फियर. वो कहता है कि कितनी बोरियत महसूस हो रही है, हो सकता है कि आज दरबार में कुछ अनहोनी हो जाए और माहौल में तब्दीली आ जाए. सेकंड गार्ड कहता है आई वुड बी इक्वली हैप्पी इफ देयर वाज नन एंटर द डिसिपल लुकिंग अराउंड, और वो कहता है कि मुझे भी ऐसा ही लगता है, लेकिन अचानक एक शागिर्द वहाँ पर दाखिल हो जाता है. फर्स्ट गार्ड यानी पहला दरबान कहता है हॉल्ट, रुक जाओ, यू आर अ स्ट्रेंजर, तुम अजनबी हो, गिव योर आइडेंटिटी, पहले अपना तारुफ कराओ, अपनी आइडेंटिटी दो, कौन हो तुम बताओ. डिसिपल कहता है यू आर राइट, आप सही हो, आई एम अ विजिटर हियर, मैं तो एक मुसाफिर हूँ. अ डिसिपल ऑफ द वाइस सेज फ्रॉम द घंगोर फॉरेस्ट, मैं एक शागिर्द हूँ एक बहुत ही होशियार अकलमंद साधु का जो घंगोर के फॉरेस्ट में रहते हैं. विच लाइज टू द ईस्ट ऑफ योर किंगडम, जो आपके जो रियासत है उसके मशरक़ में आता है, पूरब की तरफ आता है. फर्स्ट गार्ड कहता है व्हाट ब्रिंग्स यू, कौन सी चीज़ ने तुम्हें यहाँ पर लाया. डिसिपल कहता है आई हैव हर्ड अमेजिंग स्टोरीज अबाउट दिस किंगडम ऑफ अंधेर नगरी एंड द ग्रेट किंग चौपट. वो जो शागिर्द है वो कहता है कि मैंने इस रियासत के बारे में बहुत सारी कहानियाँ सुनी है, स्टोरी सुनी है, क्योंकि ये एक अंधेर नगरी है और इसका राजा जो है वो बहुत ही अजीम राजा है, ग्रेट किंग है, जिसका नाम है चौपट, यानी अंधेर नगरी चौपट राजा. आई एम स्पेशली इम्प्रेस्ड बाय द फैक्ट दैट एवरीथिंग इन द मार्केट इज़ सोल्ड,
एट द सेम प्राइस नो कॉम्प्लिकेशंस। और वो कहता है कि मैं बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुआ इस हकीकत से कि मार्केट में, बाज़ार में सब चीज़ें एक ही दाम पर बिक रही है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। पहला दरबान कहता है यू हैव हर्ड राइट, तुमने सही सुना है। इन आर लैंड यू कैन बाय द मोस्ट रिच एंड डिलेक्टेबल स्वीट्स फॉर द सेम प्राइस एज एन इक्वल मेजर ऑफ वेजिटेबल्स। वो कहता है कि आप हमारी सरजमीन में जो बहुत ही बेहतरीन मिठाइयाँ हैं वो आप उसी कीमत पर ख़रीद सकते हैं जिस पर तरकारियाँ मिलती हैं। टका शेर भाजी टका शेर खाजा, आई एम क्वाइट हैप्पी अबाउट इट, इट मेक्स लाइफ ईजी। वो कहते हैं यानी टका शेर, एक टके में पूरा शेर भर यानी एक किलो भाजी आएगी, टका शेर खाजा यानी कि एक टके में, खाजा ये एक किस्म की मिठाई होती है, मीठी रोटी होती है, तो ये दोनों एक ही कीमत में आते हैं। शागिर कहता है सो इट शुड, तो ऐसा ही होना चाहिए, इट वुड बी अ गुड आइडिया टू सेटल इन दिस लैंड, तो यानी इस मुल्क में रहना बहुत ही अच्छी बात है। बट फर्स्ट आई वुड लाइक टू अटेंड द कोर्ट टुडे एंड पे माई रेस्पेक्ट टू द माइटी किंग चौपट। वो कहता है कि सबसे, मैं भी यहाँ रहना चाहता हूँ, सबसे पहले मैं दरबार में हाजिरी लगाऊंगा आज, और बहुत ही ताकतवर बादशाह जो किंग चौपट है उनसे मिलना चाहूँगा। गार्ड कहता है यू मे स्टैंड देयर पॉइंटिंग आउट विद दोज पीपल हु आर इन अ क्यू, तुम वहाँ पर खड़े हो जाओ जो वहाँ पर क्यू में खड़े हैं सब लोग, उनके साथ खतार में खड़े हैं, क्यू यानी खतार। लाउड वॉइस फ्रॉम बैक स्टेज हियर यू पीपल, ज़ोरदार आवाज़ आई पीछे के यानी कि स्टेज के पीछे से, हियर कम्स द मोस्ट नोबल मोस्ट रेवर्ड मोस्ट ग्रेशियस मोस्ट लर्न किंग चौपट ऑफ दिस वास्ट किंगडम, मेक वे फॉर द किंग बो टू द रॉयल मोनार्क। यानी कि वहाँ पर आया कि बहुत ही ज़्यादा शरीफ, बहुत ही ज़्यादा नोबल, बहुत ही ज़्यादा अकलमंद जो राजा है, किंग चौपट है, वो आ रहे हैं, पधार रहे हैं, उनके लिए झुक जाइए। किंग चौपट अराइज टू द फैनफेयर ऑफ बगल्स एंड ड्रम्स एंड टेक्स हिज प्लेस ऑन द थ्रोन। और राजा चौपट जो है बड़े धूमधाम, फैनफेयर यानी धूमधाम से बिगुल बजाते हुए, ढोल बजाते हुए वो थ्रोन यानी कि तख्त पर विराजमान हुए, अपने तख्त शाही पर जाकर बैठे। किंग कहते लेट द कोर्ट बिगिन, चलो दरबार की शुरुआत करो। फोर्थ गार्ड मैसेंजर द फर्स्ट कंप्लेंट, चौथा जो दरबान था वो एक पयंबर था, वो सबकी कंप्लेंट बयान करता था। थीफ रशेस फॉरवर्ड एंड वेल्स लाउडली जस्टिस ओ मोस्ट ग्रेट किंग आई बेग फॉर जस्टिस, यानी जो चोर था वो इंसाफ की दुहाई दे रहा था, अरे राजा मुझे इंसाफ दो। किंग कहता है एंड व्हाट इज़ योर कंप्लेंट, तुम्हारी शिकायत क्या है, कंप्लेंट क्या है। थीफ कहता है इन दिस ग्रेट लैंड ऑफ अंधेर नगरी माय फ्रेंड एंड आई हैव बीन ट्रूली हार्ड वर्किंग ऑनेस्ट थीव्स, इस अजीम सल्तनत में जो अंधेर नगरी है, मैं और मेरा दोस्त बहुत ही मेहनत से, ईमानदारी से चोरियां करते हैं। ऑल दीज ईयर्स वी हैव बीन ट्रू टू आवर प्रोफेशंस, और इतने सालों में हम अपने पेशे से बहुत ज़्यादा लगे हुए थे, लगाव रखते थे, एंड व्हाट इज़ आवर रिवार्ड, लेकिन उसका इनाम क्या मिला हमें। लास्ट नाइट विद ग्रेट एफर्ट्स, गुज़िश्ता रात बहुत कोशिश करने के बाद, वी मेड अ होल इन द वॉल ऑफ अ मर्चेंट्स हाउस, हमने सुराख किया एक ताजिर के घर में, व्हेन ऑल हिज फैमिली वेर अवे, जब उसका पूरा ख़ानदान वहाँ से जा चुका था। My friend peered through that hole into the house. मेरा दोस्त जो था वो उस होल से, उस सुराख से, उस भोग से वो अंदर दाखिल हो गया घर में। When suddenly the wall collapsed, अचानक दीवार गिर गई, and my friend was instantly killed. तो मेरा जो दोस्त है वो अचानक फौरी जगह पर मर गया। I have lost my only friend and partner. मैंने अपना दोस्त और अपना पार्टनर खो दिया। ओ किंग इट्स द मर्चेंट्स फॉल्ट फॉर लिविंग इन अ हाउस विद सच वीक वॉल्स। वो कहने लगा ए राजा, ये उस ताजिर का, उस तिजारत करने वाले का
उस व्यापारी की गलती थी कि वो इतनी कमज़ोर दीवारों के घर में रहता था। किंग फेच द मर्चेंट एट वंस, राजा ने हुक्म दिया कि उस ताजिर को बुलाओ। अ लाइफ फॉर लाइफ, एक एक इंसान की ज़िंदगी के बदले दूसरे की ज़िंदगी। द मर्चेंट मस्ट बी हैंग्ड, यानी उस ताजिर को, उस व्यापारी को फांसी लगा दी जाए। थर्ड गार्ड लीव्स एंड रिटर्न्स विद द मर्चेंट्स हु बोज बिफोर द किंग, और जो तीसरा गार्ड था, दरबान था, वो ताजिर के साथ वहाँ पर आ गया, आकर वारिद हो गया। मर्चेंट कहता है, मर्सी ओ नोबल किंग, आई हैड नो इंटेंशन टू ऑफ किलिंग दीज स्किल्ड प्रोफेशनल्स। वो कहता है, रहम रहम सरकार, मुझे माफ़ कीजिए, मेरा इन्हें मारने का कोई इरादा नहीं था, ये बहुत माहिर प्रोफेशनल है, पेशावर है चोरी करने में। इट इज़ नॉट माई फॉल्ट डैट द वॉल ऑफ माई हाउस कोलैप्स्ड, ये मेरी गलती नहीं है, ये जो दीवार गिर गई मेरे घर की। माई हाउस हैज़ बीन रिसेंटली बिल्ट, मेरा घर अभी बनाया गया है। इट इज़ द फॉल्ट ऑफ द ब्रिक लेयर, ये तो ब्रिक लेयर यानी कि जो ईंटें बनाने वाला है, ब्रिक किल्न पर काम करने वाला है, उसकी गलती थी। हु केयरलेसली बिल्ट सच अ वीक वॉल, यानी कि उस मिस्त्री ने उस कमज़ोर दीवार को बहुत ही बेतवज्जुही से, केयरलेसली यानी बेतवज्जुही से बनाया था। किंग कहता है, ब्रिंग द केयरलेस ब्रिक लेयर इमीजिएटली, ही मस्ट हैंग फॉर हिज फॉल्ट। तो राजा कहता है कि उस ईंटें बनाने वाले मिस्त्री को जो फौरी बुलाओ, चूँकि उसने इतनी कमज़ोर ईंटें बनाई और उससे वो दीवार टूट गई। सेकंड गार्ड लीव्स एंड रिटर्न्स विद द ब्रिक लेयर, दूसरा गार्ड जो है वो वहाँ से जाता है और वो वापस उस मिस्त्री दादे को वापस लेकर आता है। ब्रिक लेयर कहता है, ओ मोस्ट काइंड लॉर्ड एंड किंग, ए रहम दिल बादशाह, नीलिंग टू द किंग, और वो घुटनों के बल झुक जाता है। हैव मर्सी, मुझ पर रहम कीजिए, आई बेग यू डोंट सेंड मी टू द गैलोस, मैं आपसे रहम की भीख मांगता हूँ कि आप मुझे कैद खाने में नहीं भेजेंगे। आई एग्री डैट आई बिल्ड द वॉल विच कोलैप्स्ड एंड किल्ड अ मैन, मुझे यकीन है कि मैं मानता हूँ कि मैंने वो जो दीवार बनाई थी वो दीवार गिर गई और आदमी भी मर गया। बट इट वॉज नॉट ड्यू टू माई केयरलेसनेस, लेकिन ये मेरी बेतवज्जुही की वजह से नहीं हुआ। द मोर्टार विच आई यूज टू ले द ब्रिक्स वॉज ऑफ वेरी पुअर क्वालिटी, जो गारा मैंने, मोर्टार यानी गारा जो मैंने इस्तेमाल किया था उन ईंटों को बनाने के लिए, वो बहुत ही ख़राब क्वालिटी का था। देयर वॉज टू मच ऑफ वाटर मिक्सड इन इट, अब वो उसमें बहुत ज़्यादा पानी मिला दिया गया था। इट इज़ एंटायरली द मोर्टार मेकर्स फॉल्ट, और ये जो गारा था, ये गारा बनाने वाले की गलती थी जिससे मैंने ईंटें बनाई। किंग कहता है, समन द मोर्टार मेकर एट वंस, ही मस्ट पे विथ हिज लाइफ फॉर हिज थॉटलेसनेस। वो कहता है कि वो गारा बनाने वाले को बुलाओ, उसकी बेसोची समझे तरीके से उसे अपनी ज़िंदगी से हाथ धोना पड़ेगा। फर्स्ट गार्ड एग्जिट्स एंड रिटर्न्स विद द मोर्टार मेकर हु रशेस एंड थ्रोज हिमसेल्फ बिफोर द किंग। तो जो पहला दरबान था वो दौड़ता हुआ जाता है और उस गारा कलाने वाले को लेकर आता है और उसे राजा के कदमों के में ढकेल देता है। मोर्टार मेकर वेलिंग लाउडली फॉर गिव मी, यानी जो गारा बनाने वाला होता है वो ज़ोर ज़ोर से रोते हुए कहता है, मुझे माफ़ कीजिए, मुझे माफ़ कीजिए, ओ मर्सीफुल किंग, प्लीज़ डू नॉट हैंग मी टू डेथ, ऐ रहम दिल बादशाह, मुझे सूली पर मत चढ़ाइए, मौत मत दीजिए। आई हैव अ वाइफ एंड टू यंग चिल्ड्रन, मुझे मेरे बीवी है और दो छोटे बच्चे हैं, हु विल लुक आफ्टर देम, जो अपना ख्याल नहीं रख सकते, कौन उनका ख्याल रखेगा। किंग कहता है, योर केयरलेसनेस हैज़ कॉस्ट लाइफ, यू मस्ट पे विथ योर लाइफ, तुम्हारी बेतवज्जुही की वजह से एक ज़िंदगी चली गई, तुम्हें भी अपनी ज़िंदगी देनी होगी। मोटर मेकर कहता है, नो नो माई रॉयल लॉर्ड, आई एम नॉट टू ब्लेम, नहीं नहीं मेरे अजीज़ बादशाह, मैं आपको इल्ज़ाम नहीं दे रहा हूँ। द पॉट विच आई यूज टू पोर वाटर इन टू द मोर्टार हैड एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लार्ज माउथ, जिस मोर्टार को मैंने यानी गारे को मैंने बनाया था
तो उसमें पानी डालने के लिए जो मैंने बर्तन इस्तेमाल किया था उसका मुंह बहुत बड़ा था। सो एक्सेस वाटर पोर डाउन इनटू द मोर्टार मिक्सचर, यानी कि बहुत ज़्यादा पानी उस गारे में गिर गया। आई वॉज हेल्पलेस, मैं बहुत ही बेमदद था। इट इज़ द पॉटर्स फॉल्ट फॉर मेकिंग सच अ यूजलेस पॉट, और ये बर्तन बनाने वाले का, पॉटर बनाने वाले का गलती थी कि उसने ऐसा बेकार बर्तन बनाया। किंग कहता, लेट द पॉटर बी ब्रॉट हियर एट वंस, ही मस्ट बी एग्जीक्यूटेड फॉर मोल्डिंग सच यूजलेस पॉट्स। और वो कहता है कि बर्तन बनाने वाले को बुलाओ, उसे भी सज़ा मिलेगी कि उसने इस किस्म का बेकार बर्तन बनाया। फोर्थ गार्ड लीव्स एंड री एंटर्स विद द पॉट पॉटर, और चौथा जो दरबान था वो वापस जाता है और वो जाकर जो पॉटर मेकर है यानी बर्तन बनाने वाला है उसे लेकर आता है। पॉटर कहता है कवरिंग बिफोर द किंग, वो राजा के सामने झुककर कहता है, योर मैजेस्टी शो मर्सी टू दिस हम्बल पॉटर, ऐ महाराज मुझे मुझ पर रहम कीजिए। आई एग्री द पॉट आई मेड एंड सोल्ड टू द मोर्टार मेकर वॉज अ डिफेक्टिव वन, मुझे यकीन है, मैं मानता हूँ कि मैंने जो बर्तन बनाया है वो बर्तन जो मैंने बेचा है वो एक डिफेक्टिव था, बट आई एम नॉट गिल्टी एज आई वॉज मोल्डिंग डैट पॉट। आई हर्ड द स्वीट डेलिकेट टिंकलिंग ऑफ एंकलेट्स, इट वॉज द मनी लेंडर्स डॉटर, शी डिस्ट्रैक्टेड मी जस्ट एज आई वॉज शेपिंग द माउथ एंड इट बिकेम टू वाइड। अब वो मोर्टार मेकर यानी जो बर्तन बनाने वाला था, पॉटर था, उसने कहा कि मैंने एक बहुत ही स्वीट यानी बहुत ही नर्म नाजुक आवाज़ सुनी थी, टिंकलिंग ऑफ एंकलेट्स यानी कि पायलों की झमाझम। इट वॉज द मनी लेंडर्स डॉटर, ये उस महाजन की बेटी के पायल थे जिसकी आवाज़ मुझे सुनाई दे रही थी। शी डिस्ट्रैक्टेड मी जस्ट एज आई वॉज शेपिंग द माउथ, उसने मेरा जहन भटका दिया जब मैं इसका मुंह बना रहा था। एंड इट बिकेम टू वाइड, और ये बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया। किंग कहता है, ब्रिंग द मनी लेंडर्स डॉटर हियर दिस वेरी इंस्टेंट, शी मस्ट बी सेंट टू द गैलोस फॉर डिस्टर्बिंग दिस पुअर पॉटर एट वर्क। वो कहता है कि महाजन को बुलाओ और उसकी बेटी को बुलाओ जिसने इसे डिस्ट्रैक्ट किया था, जिसकी वजह से ये पुअर पॉटर ने गलती की। फर्स्ट गार्ड लीव्स एंड एंटर्स विद द मनी लेंडर एंड हिज डॉटर, पहला दरबान वापस जाता है और महाजन के की बेटी के साथ वापस आता है, महाजन भी साथ में आता है। मनी लेंडर यानी महाजन कहता है इन ए डेस्परेट वॉइस, ओ जस्ट किंग स्पेयर माई डॉटर, शी इज़ माई ओनली चाइल्ड एंड आई एंड टू बी वेडेड नेक्स्ट मंडे। वो कहता है कि ए राजा, ए महान राजा, मेरी बेटी को छोड़ दो, ये मेरी अकेली बेटी है, अगले पीर को इसकी शादी होने वाली है और मैं नहीं चाहता कि इसे आप सजा दो। डॉटर कहती है, ओ डू नॉट फ्रेट फादर, द किंग विल नॉट हैंग मी, यानी लड़की कहने लगी कि आप फादर आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, राजा मुझे बिल्कुल भी नहीं टांगने वाले हैं, फांसी नहीं देने वाले हैं। यू आर मोस्ट एस्टीम्ड हाइनेस, आई रेयरली स्टेप आउटसाइड द थ्रेशोल्ड ऑफ माई होम, बट एज माई फादर सेड आई एम टू बी मैरिड नेक्स्ट वीक एंड माई ज्वेलरी इज़ नॉट रेडी, आई हैड टू गो टू द गोल्ड स्मिथ शॉप टू अर्ज हिम टू वर्क फास्टर एंड हैंड ओवर माई ऑर्नामेंट्स ऑन टाइम, द पॉटर शॉप इज़ ऑन द वे, आई कुड नॉट हेल्प इट, इट इज़ ऑल द गोल्ड स्मिथ्स फॉल्ट। वो क्या कहने लगी कि मुझे मालूम है कि मैं अपने दहलीज से बाहर कदम नहीं निकालती, लेकिन जैसा कि मेरे पिताजी ने कहा है अगले हफ्ते मेरी शादी होने वाली है और मेरे जवाहरात बने नहीं हैं, तो मैं जौहरी के पास जाने वाली थी और जैसे ही ये पॉटर का फॉल्ट नहीं है, वो रास्ते में उसकी दुकान है, ये तो जौहरी का फॉल्ट है, उसने वक्त पर जो जवाहरात नहीं दिए, आई वुड नॉट हैव बीन फोर्स्ड टू गो पास द पॉटर शॉप, और मुझे नहीं लगता कि मुझे पॉटर शॉप से बाहर जाने दिया जाता। देन सेंड फॉर द गोल्ड स्मिथ एंड विदाउट एनी डीले ही मस्ट बी हैंग्ड, तो फिर राजा ने कहा कि जो गोल्ड स्मिथ है उसके पास जाओ और उसे इमीजिएटली लेकर आओ और उसे सूली दे दो। उम्मीद है ये वीडियो पसंद आया होगा, अगले वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी।